नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद घाटी में तनाव, अलगाववादियों ने बुलाया बंद। पुलवामा और श्रीनगर के कई हिस्सों में लगा कर्फ्यू, रोकी गई अमरनाथ की यात्रा। मेरठ में अवैध निर्माण ढहाने के दौरान प्रशासन की लापरवाही ने ली चार लोगों की जान, लोगों को बाहर निकालने से पहले ही की गई कार्रवाई, स्थानीय लोगों ने किया जमकर हंगामा। जाकिर नाइक को मिलने वाले चंदे को लेकर आईबी का खुलासा, खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को पहले भी तीन बार किया था अलर्ट, विदेशी चंदे का नफरत फैलाने में इस्तेमाल का है आरोप। मिशन गुजरात पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, भगवान सोमनाथ के दर्शन कर फूका चुनावी बिगुल, आनंदीबेन पर साधा निशाना, कहा व्यापारियों से मेरी मीटिंग कैंसिल कराई। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल मोदी मोदी के नारे से गूंजा था जोहानिसबर्ग, भारतीय समुदाय को संबोधित कर पीएम ने दिया था होप का नारा। भारी बारिश से पानी पानी हुआ भोपाल, कई घरों में घुसा पानी, सतना और रीवा समेत छह जिलों में हालात खराब, लोगों ने लगाई मदद की गुहार, असम में भी बाढ़ से हाहाकार। शादी के बंधन में बंधी टीवी की फेवरेट बहू दिव्यांका त्रिपाठी, को एक्टर विवेक दहिया के साथ भोपाल में रचाई शादी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कश्मीर का पोस्टर बॉय हिजबुल कमांडर बुरहान वानी मारा गया। शुक्रवार को करीब सवा घंटे चली मुठभेड़ में सेना और पुलिस ने बुरहान वानी और उसके तीन साथियों को ढेर कर दिया। वानी के मारे जाने के बाद घाटी में हिंसा भड़क गई है। तनाव को देखते हुए दक्षिण कश्मीर, पुलवामा समेत श्रीनगर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही अमरनाथ की यात्रा को भी रोक दिया गया है। इसके अलावा आज होने वाली बोर्ड परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। यहाँ ट्रेन और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी एहतियात के तौर पर बंद कर दी है ताकि किसी तरह की कोई अफवाह ना फैल सके। दूसरी तरफ इस मुद्दे ने सियासी तूर पकड़ लिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी गुट के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने वानी के मारे जाने के खिलाफ तीन दिनों का कश्मीर बंद का ऐलान किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि बुरहान वानी ना ही पहला शख्स था जिसने बंदूक उठाई और ना ही वो आखिरी शख्स होगा। आपको बता दें कि वानी 15 साल की उम्र में ही 2010 में अपने भाई के मारे जाने के बाद हिजबुल से जुड़ा। उसका मानना था कि उसके भाई की हत्या सेना के जवानों ने की थी और उसी का बदला लेने के लिए वो हिजबुल से जुड़ा था। कश्मीर के त्राल का रहने वाला बुरहान वानी एक रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखता था। उस पर कश्मीर के युवाओं को हिजबुल से जोड़ने का जिम्मा था। पुलिस ने उस पर 10 लाख का इनाम भी रखा था। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अवैध कॉम्प्लेक्स जहाने के दौरान प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसके चलते मलबे में दबकर चार लोगों की मौत हो गई और अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स में लोगों को हटाए बिना ही अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया। लोग कॉम्प्लेक्स से सामान निकाल रहे थे कि वहां मौजूद अधिकारियों ने अतिक्रमण को ढहा दिया, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारी मौके से भाग गए। हालांकि बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। डीएम भी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। वह इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। चलते हैं अगली खबर पर। इस्लाम के प्रचारक जाकिर नाइक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जाकिर नाइक पर 2009 से ही आईबी की नजर थी। 2009 से 2014 तक तीन बार आईबी ने गृह मंत्रालय को अलर्ट किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आईबी ने अपनी रिपोर्ट में जाकिर नाइक के भाषणों को जहरीला और भड़काऊ बताया था। जाकिर की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को मिलने वाले विदेशी चंदे पर भी सवाल उठाए थे। चंदा तो सामाजिक कामों के लिए मिलता था, लेकिन आईबी ने अलर्ट किया था कि चंदे से धार्मिक काम किए जा रहे हैं। वही सरकार ने अब नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को विदेशों से मिलने वाले धन की जांच शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय को कहा है कि इनकी संस्था को विदेशों से मिलने वाले पैसे की जांच की जाए और गड़बड़ी पाई गई तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज भी किया जाए। आपको बता दें कि आरोप लगा है कि जाकिर नाइक की संस्था चंदे का इस्तेमाल धार्मिक कट्टरता फैलाने में करती है। बढ़ेंगे अगली खबर पर। दिल्ली के बाद अब गुजरात में सेंध लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल आज मिशन गुजरात पर है। एक दिन के दौरे पर राजकोट पहुंचे केजरीवाल ने आज सबसे पहले सोमनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इसी के साथ ही अब केजरीवाल ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। गुजरात पहुंचते ही उन्होंने सीएम आनंदीबेन पटेल पर निशाना साधा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि आनंदीबेन ने सूरत में व्यापारियों के साथ उनकी मीटिंग
दबाव बनाकर रद्द करा दी। लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं। अपने दौरे के दौरान केजरीवाल अब सोमनाथ जिले के कुछ गांवों का दौरा कर रहे हैं, साथ ही वो किसानों से भी मुलाकात करेंगे और उनकी समस्या सुनेंगे। और अब बात पीएम के मिशन अफ्रीका की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन से पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पहुंचे। आपको बता दें कि इसी स्टेशन पर 123 साल पहले महात्मा गांधी को धक्का मारकर ट्रेन से उतारा गया था। इससे पहले कल जोहानिसबर्ग में मोदी मोदी की गूंज से पीएम का स्वागत किया गया। भारतीय समुदायों को संबोधित करते हुए उन्होंने होप का नारा दिया। पीएम ने कहा कि भारत के उत्थान को HOPE यानी हारमनी, ऑप्टिमिज्म, पोटेंशियल और एनर्जी से परिभाषित किया जा सकता है। साथ ही पीएम ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने ही मोहनदास को महात्मा गांधी बनाया, तो रंग भेद के खिलाफ भारत ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका को गले लगाया। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला की जन्मभूमि और महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। यह सत्याग्रह की जन्मभूमि है और यहाँ के लोग भारतीय विरासत की संतान हैं। जोहानिसबर्ग से पहले पीएम प्रिटोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जैकब जुमा से मुलाकात की थी। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां बीते 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। सतना में करीब 300 गांवों में पानी घुस गया है। लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर है, तो वही रीवा समेत कई और जिलों में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं दूसरी ओर असम में भी स्थिति काफी खराब है। बाढ़ के चलते करीब 1,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच दोनों ही राज्यों में राहत अभियान के लिए सेना भेजी गई है और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। और अब बात करेंगे टीवी की दुनिया की फेवरेट बहू दिव्यांका त्रिपाठी की, जो कल अपने को एक्टर विवेक दहिया के साथ भोपाल में शादी के बंधन में बंध गई। इस शादी में दोनों के परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। शादी में दिव्यांका ने लाल जोड़ा पहना था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। ऑफ वाइट शेरवानी में विवेक भी खूब फब रहे थे। शादी के पहले संगीत, मेहंदी और हल्दी की रस्म हुई थी। शादी के बाद आज चंडीगढ़ में रिसेप्शन होगा। इसके बाद 14 जुलाई को मुंबई में भी रिसेप्शन होने वाला है और इसके बाद 15 जुलाई को दिव्यांका और विवेक अपने मुंबई के नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।